हेलो एवरी वन वेलकम टू इन्फोटेनिया फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चैनल ऑफ पाकिस्तान सो आज का जो टॉपिक है वो है एल सी ए लाइफ साइकिल असेसमेंट तो एल सी ए क्या होता है ये किस इस्तेमाल आता है ये सब मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी इससे रिलेटेड और आप इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने के भी काबिल हो जाएंगे शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि एल कैसे इवॉल्व हुआ इसकी ज़रूरत क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और लोगों को इसके बारे में क्यों जानना चाहिए जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड ग्रो कर रहा है और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी और हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ साथ हम काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रही हैं एक पॉइंट पर हमें पता चलेगा कि इससे ज़्यादा अब हम नेचुरल रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते फिर उस पॉइंट पर हम रिसाइकिलिंग की तरफ़ जाएंगे जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो इन्वायरमेंट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ इमीजन एंड पॉल्यूशन अगर बात करें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वक्त के साथ साथ और डिमांड्स भी उसको फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बट हमारी नेचर रिसोर्स लिमिटेड हैं सो so यहाँ तक हो क्या रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन हो रहे हैं एनवायरनमेंट में तो फ्यूचर कंसर्न ये है कि व्हाट विल हैपन इन द फ़्यूचर कि हमारी फ़्यूचर जनरेशन के लिए ये सारी रिसोर्स अवेलेबल होंगी या नहीं तो पूरा कन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी का यही है कि कैसे हम अपनी प्रेजेंट रिसोर्स को यूज़ करें ताकि इन फ्यूचर हमारी जनरेशन के लिए भी रिसोर्स अवेलेबल हों पूरा कन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ग्रीन इंजीनियरिंग पॉल्यूशन प्रिवेंशन ये सारे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं टू सम समस्टेंट दे ओवरलैप विद ईच अदर और ये अंडर द बिग अम्ब्रेला ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में आती हैं तो जब आप किसी भी सस्टेनेबल एक्टिविटी के लिए जाते हैं एज एन इंजीनियर और एज़ अ प्रैक्टिशनर तो ज़रूरी होता है सस्टेनेबिलिटी को मेजर करना तो सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के पैरामीटर्स क्या हैं यहाँ लाइफ साइकिल असेसमेंट एल आता है जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगर बात की जाए सस्टेनेबिलिटी की तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के तीन पिलर्स हैं सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल और एल सी ए फोकस करता है बेसिकली इन्वायमेंटल पार्ट पर सेकेंड पिलर सोशल फैक्टर्स को देखता है जिसके लिए सोशल एल सी ए अलग है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग असेसमेंट एल सी सी जो है इकोनॉमिक पार्ट कवर करता है अगर बात करें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हैं तो सबसे पहले उसमें है लिक्विड्स मेनली ऑयल उसमें आता है दैन एनर्जी देन नेचुरल गैस दैन कोल न्यूक्लियर रीनएबल रीनएबल में सोलर विंड एंड जियो आता है मोस्टली अब अगर बात की जाए एल की तो ये एक मुकम्मल होलिस्टिक अप्रोच है जो किसी भी प्रोडक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इवेल्यूएट करती है एल किसी भी प्रोडक्ट का एक एक कॉम्पोनेंट को इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होगा उसको क्वान्टिफाई करती है रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेकर एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट तक एल की फ़ाइनल रिपोर्ट डिटेल्स बताती हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा किसी प्रोडक्ट का और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे क्लाइमेट चेंज पर ह्यूमन हेल्थ इकोसिस्टम क्वालिटी एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे एल सी ए इंटरनेशनली रेकग्नाइज असमेंट टूल है जो मदद करता है डिसीजन मेकरस को एंड अलाउ करता है उनको कि किस तरह से रिड्यूस किया जाए नेगेटिव इम्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स का इन्वामेंट पे और साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या क्या मज़ीद इम्प्रूव हो सकता है एग्जस्टिंग प्रोडक्ट्स में इसको एक एग्ज़ैम्पल से समझते हैं मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो कि है फ्लेवर्ड योगर्ट। तो इसके बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से योगर्ट बनने के लिए डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे जैसा कि योगर्ट कप जिसमें ये पैक होकर मार्केट में जाएगा उसको बनने के लिए मशीनरी यूज़ होगी जो कि ऑयल से चलेगी योगर्ट को बनने के लिए मिल्क की भी ज़रूरत होगी एलमियम फॉयलेट सील करने के लिए उसके कप को अब इन सारे प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व हैं उस योगर्ट की प्रोडक्शन में इनके वेरियस काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स होंगे एनवायरनमेंट पे। कंज्यूमर तक पहुँचने में काफ़ी जगहों से गुजरना पड़ेगा योगर्ट को अब वेरियस मोमेंट्स पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी जैसे कि वेंडर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया उसने कंज्यूम कर लिया और ट्रैश में फेंक दिया बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है सिर्फ अगर कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से देखें तो उसने कंज्यूम कर लिया एंड द एंड ऑफ द प्रोडक्ट बट वो योगर्ट कब रीसाइकिल हो सकता है एंड उससे न्यू प्रोडक्ट बन सकता है एल हमें प्रोवाइड करता है इन्हीं सारी स्टेजेस का इन्वामेंटल इम्पेक्ट जो योगर्ट कप की प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थी यह एनालिसिस मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में जिससे वो इम्प्रूव कर सकें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रोसेसेस को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन या क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं थैंक यू सो मच